आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज सब ऑर्बिटल फ्लाइट। सब ऑर्बिटल फ्लाइट है क्या? हाल ही में यानी रिसेंटली 6 पर्सन का दल यानी 6 लोगों का दल एक वर्जिन गैलेक्टिस VS यूनिटी स्पेसशिप यानी एक USA की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिस जो 6 पर्सन के ग्रुप को एक छोटे समय के लिए यानी ब्रीफ ट्रिप के लिए इज ऑफ स्पेस में भेजा। और इज ऑफ स्पेस क्या है? जो हमारा ये अपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बाद जो स्पेस चालू हो जाता है वही किनारा बोलते हैं इज ऑफ स्पेस। और इसी वहाँ पे ये इनका स्पेसशिप गया और उन्होंने वहाँ पर कुछ समय के लिए ट्रेवल किया और उनको फील हुआ 0 ग्रेविटी यानी वहाँ पर उनके मतलब जिसमें थे स्पेसशिप में उनको वहाँ पर 0 ग्रेविटी मिला। और वो 0 ग्रेविटी आप समझते हो जहाँ पर ग्रेविटी का कोई रोल ही प्ले ना हो, तो इसी को बोलते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट। तो इसमें एक अहम चीज़ हमारे देश के लिए यह है कि जो ये 6 पर्सन है उनमें एक महिला जिनका नाम है श्रीसा बंदला जो कि एक एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इंडिया में बन, वो भी इस क्रू की पार्ट थी। ठीक है, तो शी वॉज द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो थर्ड वुमेन है इंडियन ओरिजिन की जो कि स्पेस में गई आफ्टर किसके बाद? कल्पना चावला। पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स और तीसरी कौन हुई? श्रीसा बंदला जो कि एक एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, अब ये वर्जिन गैलेक्टिस जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है, इन्होंने ये ऑपरेट किया यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, जो भी ऑपरेशन किया जिसके साथ इनको उस स्पेस एड्स तक ले गए। ठीक है, तो वर्जिन ग्रुप के जो फाउंडर हैं रिचर्ड ब्रांसन, ये पहले ऐसे बिलियनेयर बने, बिकम द फर्स्ट बिलियनेयर जिन्होंने इज ऑफ स्पेस में फ्लाई की और वापस भी आए। यानी इज ऑफ स्पेस में जाने के बाद और उस स्पेस में जो भी लोग थे उन्होंने वेटलेसनेस का फील किया, वहाँ पर उनको वेट कुछ का अभाव हुआ यानी वेटलेसनेस यानी 0 ग्रेविटी वाले जगह पर ये स्पेसशिप गया और उसके कुछ समय बाद यानी शॉर्ट टाइम तक वहाँ पर रहा, फिर लौट के वापस चला आया। और ये जो कंपनी है यह कंपनी US ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज सब ऑर्बिटल फ्लाइट, आखिर में सब ऑर्बिटल फ्लाइट है क्या? तो जब कोई ऑब्जेक्ट टेबल्स करता है एक हॉरिजॉन्टल स्पीड जिसका लगभग यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है 28,000 किमी पर आवर या उससे अधिक हो तो यह ऑर्बिट में चली जाती है। और जैसे ही यह ऑर्बिट में चली जाती है, जो ये ऑर्बिट होता है ये ऑर्बिट अबव द एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है और उस ऑर्बिट में ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगती है। ठीक है, जैसे जो सैटेलाइट होते हैं उनको इस स्पीड तक दिया जाता है यानी 28,000 किमी पर आवर से ऊपर दिया जाता है जिसके कारण वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करने लगे। कम से कम इतना स्पीड आपको देना पड़ता है। जैसे कि सैटेलाइट है उसको हमें एसिलेट करना है टुवर्ड द अर्थ यानी अर्थ के चारों तरफ वो घूमे ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ के ग्रेविटी कारण। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ना, जैसे कि ये आपका जो सैटेलाइट है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इतना फास्ट होना चाहिए कि वो जो डाउनवर्ड मोशन होता है, जो अर्थ अपनी तरफ डाउनवर्ड मोशन होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए अर्थ के डाउनवर्ड मोशन से, जिसके कारण वो उस अर्थ के चारों तरफ घूमता रहे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो भी सैटेलाइट होते हैं उनको अगर एसिलेट होना है अर्थ की तरफ ग्रेविटी के कारण, लेकिन इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो डाउनवर्ड मोशन को कंट्रोल कर सके जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ पे घूम सके। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करता है 28,000 किलोमीटर पर आवर से स्लोअर तो फिर अर्थ में लौट कर चलाता है। जैसे आपने यहाँ पर छोड़ा एक स्पेसशिप को और 28,000 किमी पर आवर से तो गया, लेकिन जैसे उसका स्पीड स्लो हुआ तो फिर वो वापस लौट के चला जाएगा। ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स है, ये इतना तेज़ी से ट्रेवल नहीं करता है कि अर्थ को ऑर्बिट कर सके जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है। इसलिए जैसे ही वो ट्रिप करता है यानी ट्रिप अलाउ करता है तो जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं कुछ मिनट्स के लिए वहाँ पर वेटलेसनेस यानी जैसे ही इन्होंने अपर एटमॉस्फेयर यानी अर्थ एटमॉस्फेयर को छोड़ा और स्पेस के इज में गए तो वहाँ पर जाने के बाद इनको कुछ समय के लिए यानी कुछ मिनट के लिए वेटलेसनेस फील होता है यानी शरीर में कोई वेट का अभाव होता है यानी वहाँ पर नो ग्रेविटी होता है। ये कुछ समय के लिए होता है, फिर यह स्पेस लौट के वापस चली जाती है और लौटने के बाद उसमें पैराशूट होता है, उस पैराशूट की मदद से ये नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम अगर इसको समझना चाहते हैं एनालॉजिकली तो कैसे समझेंगे? एनालॉजिकली मतलब किसी का एग्जांपल लेके, तो सब कंसीडर करते हैं कि क्रिकेट का बाल है, हमने हवा में इसको फेंका। जैसे हमने हवा में इसको फेंका तो क्या होता है कि वो एक पाथ ट्रेवल करता है जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं यानी प्रोजेक्टाइल की तरफ पाथ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ कि क्या कोई एक ह्यूमन का हाथ 28,000 किमी पर आवर स्पीड किसी बाल को दे सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर दे देता है तो जो ये बाल है यह एक आर्क बनाएगी और तब तक ऊपर आर्क बनाती रहेगी। आर्क मतलब आप समझ रहे हो जैसे सर्कल का आर्क होता है, ऐसे ही ये आर्क बनाएगी और जो इसका इंटायर काइनेटिक एनर्जी है, जो पूरी इसकी काइनेटिक एनर्जी इस स्पीड से जा रही थी वो धीरे धीरे जब तक पोटेंशियल एनर्जी में पूरा कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक वो आर्क उतना बनाती रहेगी। तो जैसे ही इस इंस्टेंट पर आएगी जब इसका वर्टिकल मोशन रुक जाए और ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण फिर नीचे चला आता है। ठीक है, तो जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट है ये क्रिकेट की बाल की तरह है, लेकिन जो इसमें ट्रेवलिंग फास्ट होता है, ठीक है, ये ट्रेवलिंग फास्ट करता है, ट्रेवलिंग ऐसे फास्ट करता है कि वो इज ऑफ स्पेस तक पहुंच जाए और जाने के बाद वहाँ पर बिना किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के वो ऑर्बिट में उसके रहे। ठीक है, और उसके बाद लौट के वापस चलाता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर 40,000 किमी पर आवर से
ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है तो ये एस्केप वेलोसिटी को गेट कर लेता है और रिटर्न अर्थ में वापस नहीं आता है। यानी 40,000 किमी पर आवर के स्पीड अगर कोई स्पेस या ऑब्जेक्ट पा जाता है तो वो इस अर्थ को छोड़ के वो स्पेस में चला जाता है और रिटर्न वापस नहीं आता है। ठीक है, तो आपने जाना कैसे हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे बॉल फेंका हमने 28,000 किमी पर आवर से, ठीक है, तो बॉल तो गया लेकिन बॉल तब तक जाएगा जब तक उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म ना हो जाए, पोटेंशियल में पूरा कन्वर्ट ना हो जाए, फिर उस ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाएगा। लेकिन हमारे जो ये सब ऑर्बिटर फ्लाइट है ये क्रिकेट की बॉल की तरह ही है, लेकिन ये इतना फास्ट ट्रेवल करता है कि वो ईज ऑफ स्पेस पर पहुंच जाएगा, ईज ऑफ स्पेस वहां तक जाए और बिना किसी हॉरिजॉन्टल इलास्टिक के वो उस ऑर्बिट में घूमता रहे, ठीक है, सब ऑर्बिटल में, ठीक है, और फिर वापस लौट के कुछ समय बाद चला आए। ठीक है, ये बात हो गई। ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी क्या है, तो सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी एक ऐसी ट्रैजेक्टरी है जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लॉन्च करते हैं स्पेस में तो ऑब्जेक्ट इतना हॉरिजॉन्टल स्पीड ले लेती है, इतना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लेती है जिसके कारण वो पहुंच जाती है स्पेस में, और स्पेस में पहुंच जाने के बाद कुछ समय तक रुकती है और फिर वापस लौट के चली आती है, फॉल्स बैक टू द अर्थ। तो इस प्रकार के जिस ये ट्रैजेक्टरी में घूमती है उसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्हीकल क्रॉस करती है इल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ स्पेस, यानी स्पेस का इल डिफाइंड बाउंड्री को यानी स्पेसिस को, तो वो इतना फास्ट तो नहीं जाती है कि वो स्पेस में पड़ी रहे, लेकिन फिर वो लौट कर चली जाती है। ठीक है, अब देखो जो ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट है इसके फायदे क्या है, यानी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है इंक्रीज एक्सेस, यानी पहुंच बढ़ेगा। कैसे, ये प्रोवाइड करेगा इंक्रीज फ्लाइट एक्सेस, यानी फ्लाइट एक्सेस पहुँच बढ़ाएगा डिजाइन इनोवेशन के लिए और एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के लिए, क्योंकि हाई प्रोजेक्टेड फ्लाइट रेट्स हैं। दूसरा, रिसर्च के लिए। रिसर्च में क्या होगा, जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स हैं ये हेल्पफुल होंगे माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए इसमें जा सकते हैं। माइक्रोग्रेविटी क्या होता है, कैसा कंडीशन होता है इसमें पीपल या ऑब्जेक्ट अपने आप को एकदम वेटलेस, यानी लगता है कि उसका वेट कुछ है ही नहीं। सब ऑर्बिटल फ्लाइट को हम कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव है पैराबोलिक फ्लाइट्स का। पैराबोलिक फ्लाइट्स में होता क्या है, देखिए पैराबोलिक फ्लाइट्स क्या है, उसमें एक सिमुलेशन किया जाता है जिसके कारण जो वो एयरप्लेन होता है उसमें जीरो ग्रेविटी फील होता है। ठीक है, तो ये एक पैराबोलिक फ्लाइट्स होते हैं, उसी के अल्टरनेटिव में आपका ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स है। और जो ये पैराबोलिक फ्लाइट होता है ना, ये साइंटिस्ट को एक बढ़िया बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं रिसर्च के लिए बिना स्पेस में गए हुए ही। और ये पैराबोलिक जो फ्लाइट होता है कुछ मिनट के लिए इस पैराबोलिक फ्लाइट में आपको वेटलेसनेस यानी जीरो ग्रेविटी फील होगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये फॉर लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगा होगा कैरिंग एक्सपेरिमेंट, ये कम महंगा होगा किसके कंपेरिजन में, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, उससे ये कम महंगा पड़ेगा। ईज ऑफ स्पेस है, इसको हम बोलते हैं कार्मेन लाइन। अभी कार्मेन लाइन कैसे है, तो जो हमारा अर्थ है उस अर्थ के जस्ट ऊपर टोपोस्फेयर, उस टोपोस्फेयर के बाद स्ट्राटोस्फेयर, फिर स्ट्राटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर। तो जो ये थर्मोस्फेयर है ना, इसी थर्मोस्फेयर में आपका कार्मेन लाइन है, और ये कार्मेन लाइन डिवाइड करता है हमारे एटमॉस्फेयर को स्पेस से। किससे डिवाइड करता है, स्पेस से। ओके, तो ये कार्मेन लाइन को हम क्या बोलते हैं, ईज ऑफ स्पेस। और जो ये कार्मेन लाइन है इनको खोजा था थियोडोर वॉन कार्मेन ने, जो कि एक हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर थे और फिजिक्स थे। वो एक्टिव थे एरोनॉटिक्स, यानी प्राइमरी जो उनका काम होता था एरोनॉटिक्स में काम करते थे, और एस्ट्रोनॉटिक्स में वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये बताया कि किस एल्टीट्यूड पे जाके जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना पतला हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा, यानी डेंसिटी कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर की, कि आप वहाँ पर अपने एरोनॉटिकल फ्लाइट्स को उड़ा सकते हो। यानी ये सपोर्ट करता है एरोनॉटिकल फ्लाइट्स को। और ये जो डिस्टेंस थी करीब 84 किमी के आसपास थी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो इस डिफिनीशन का यूज़ नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि कोई इंटरनेशनल लॉ इस ईज ऑफ स्पेस को डिफाइन नहीं करती है, यानी जो ये ईज ऑफ स्पेस है उसको कोई इंटरनेशनल लॉ डिफाइन नहीं करती है। अब मैं बात करूँ जो ये कंपनी के मालिक है विथ ब्रांसन और जैप बेजोस एक और है, उन्होंने किकिंग ऑफ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट यानी प्राइवेट स्पेस फ्लाइट को शुरुआत किया है। सेवरल कंपनियाँ और भी कंपनियाँ हैं जो लुकिंग देख रही हैं कि कस्टमर आएँ और वो सब ऑर्बिटल फ्लाइट की जर्नी को करें और फील करें, या ऑर्बिटल जर्नी को। ठीक है, तो जो ब्रांसन्स वर्जिन गैलेक्टिक्स, जो हाल ही में इनकी बात हो रही है ब्रांसन्स वर्जिन गैलेक्टिक्स, इन्होंने 600 लोगों का ऑलरेडी डिपॉजिट ले लिया है और टिकट के लिए जो प्राइस है करीब 1.86 करोड़ का टिकट इन्होंने सेल कर दिया है। किसके लिए, ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए। लेकिन जबकि जो बजाज की जो ब्लू ओरिजिन है जो यूज करती है रीयूजेबल न्यू सेपर्ड रॉकेट, वो अभी तक अनाउंस नहीं किया है अपने इस प्लान्स को कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, यानी मार्केट में लाने के लिए, बीबीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीबीसी के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है। अब इसमें सेफ्टी कंसर्न क्या है, यानी सेफ्टी कंसर्न क्या है, तो जो ब्रांसन फ्लाइट है वो 7 ईयर्स के बाद जब उनकी कंपनी पहला रॉकेट लॉन्च कर रही थी जिसको हम इंटरप्राइज बोलते थे, वो क्रैश हो गई टेस्ट फ्लाइट के दौरान और उसमें एक पायलट्स की मौत हो गई ऑन बोर्ड और बाकी जो लोग थे वो पैराशूट की मदद से बाहर निकाले गए। ठीक है, जो करंट रॉकेट है इसको सर्टिफाइड नहीं किया गया है US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो जिन्होंने प्रोविडेट किया है ऐसा करने के लिए कब तक, 2023 तक किसी ला के द्वारा,
यानी US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसे प्रोहिबिटेड किया गया है 2023 तक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि US गवर्नमेंट वो नहीं चाहती है कि कंपनी पर कोई दबाव डाला जाए, जैसे कि वर्जिन अटलांटिक पे और उन पर कुछ नियम कानून लगाए जाएँ, क्योंकि इनका ये लर्निंग पीरियड है और जब ये इनोवेट कर रहे हैं नए नए चीज़ और डिफरेंट डिजाइंस और प्रोसीडर अपना बनाने में लगे हुए हैं कंपनी, तो नहीं चाहती है कि US गवर्नमेंट इन्हें पर कोई बर्डन या दबाव डाला जाए। ठीक है, तो पैसेंजर जो इस ट्रिप पे जाएंगे उनको पहले एक साइन करना पड़ेगा, यानी इनफॉर्मल कंसेंट, यानी उनकी सहमति देनी पड़ेगी अनौपचारिक फॉर्म पे। ठीक है, अनौपचारिक कंसेंट देना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे कि आप स्काई डाइविंग करते हो, यानी स्काई डाइविंग आप समझ रहे हो, या बंगी जंपिंग करते हो, तो आपसे पहले एक इनफॉर्मल कंसेंट करा लिया जाता है कि अगर इससे कोई कुछ भी आपको नुकसान होता है तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। ठीक है, जो ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है ना, इसका एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए? 150 मील्स, यानी करीब 150 मील्स, यानी 1 मील में 1.6 होता है, तो 1.6 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब आपका ये हो जाएगा 240 किमी, और स्पीड यहाँ पर कितनी होगी? 17,500 मिली पर आवर से ऊपर होगी। इसको बोलेंगे ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट। ठीक है, और जो सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है इसके लिए मैक्सिमम एल्टीट्यूड क्या है? 62 मील्स, यानी 100 किमी, और यहाँ पर जो स्पीड होगा 2500 मिली पर आवर से ऊपर होगा। और आप जानते हो कि जो ये कमर्शियल एयर ट्रैफिक है ये करीब कितने किलोमीटर ऊपर है? तो ये करीब आपका ऊपर है 13 किमी उस पर होता है, और स्पीड यहाँ पर कितना होता है? 600 मिली पर आवर। ठीक है, बातें क्लियर? तो आपने समझा कि स्पेसिस है क्या, कार्मा लाइन्स है क्या, ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है कि सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, और किस कंट्री ने इसे लॉन्च किया और कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, क्या ग्लोबल लेवल पे इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।